साहब ने कहा था बिजली हाफ पानी माफ, बिजली 100% रेट पिछले 10 साल में बढ़े हैं, और जो टैरिफ पहले बढ़ाया 2 साल पहले 4.5 रुपए से 8.5 किया था, अब उन्होंने एक नया फार्मूला अपना लिया है, अब पीपीएसी के नाम से पावर परचेज एडजस्टमेंट टैक्स कॉस्ट के नाम से 10% का बिलों पर सरचार्ज लगाकर दे दिया है, क्योंकि जो पावर के बारे में, बिजली के बारे में, रेगुलेटरी के बारे में वो निर्णय होने हैं, वो केजरीवाल का एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, क्योंकि डीआरसी का चेयरमैन ही नहीं है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जज को बना रखा है, 3 लोग डीआरसी के कमेटी में होते हैं, 2 मेंबर होते हैं, टेक्निकल मेंबर होता है इंजीनियर, 1 फाइनेंस से होते हैं, वो दोनों मेंबर अपॉइंटेड ही नहीं है, केवल अकेले जज डीआरसी के चेयरमैन हैं, इसलिए जो कॉन्ट्रैक्ट होना है कंपनियों से बिजली के बारे में कि गर्मी में बिजली की डिमांड बढ़ेगी, तो उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए 1 साल का, वो नहीं किया, तो केजरीवाल के फेलियर के कारण से 100 टाइम बिजली के दाम बढ़े।